पतंग का त्यौहार नज़दीक है और वडोदरा शहर में पतंग उड़ाने की शुरुआत हो गई है। पतंग उड़ाना हमारे लिए तो मौज मजा हो सकता है, लेकिन पक्षियों के लिए ये सज़ा बन जाता है, क्योंकि पतंग की डोर इतनी मजबूत होती है कि आसमान में उड़ते हुए परिंदों के पंख काट देती है। उन्हें पता नहीं होता है कि आसमान में डोरियाँ क्यों हैं, और इसीलिए जब वो उड़ते हैं तो पतंग की डोर से कई पक्षी घायल हो जाते हैं। वडोदरा शहर में पिछले कई सालों से इसीलिए पक्षी बचाव केंद्र शुरू किए गए हैं, ताकि उत्तरायण के दौरान जो पक्षी घायल होते हैं उन्हें मौत के मुंह से बचाया जा सके। ऐसा ही एक केंद्र अटलादरा में जय भवानी ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी के नेता जय भवानी ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं राजू ठक्कर, उनके द्वारा शुरू किया गया है। और उन्होंने 14, 15 और 16 तीन दिनों के लिए ये केंद्र शुरू किया है, जहां घायल पक्षियों का इलाज किया जाएगा। आप यहां घायल पक्षियों को लाकर इलाज करवा सकते हैं, साथ ही अगर आप कॉल करते हैं तो आपके वहां से भी पक्षी को रेस्क्यू कर यहां उनका इलाज किया जाएगा। पिछले कई सालों से जय भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये पहल की जाती है कि पक्षियों को बचाया जा सके। राजू भाई ठक्कर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार किस तरह की ये पहल की गई है। राजू भाई, पक्षियों को बचाने का ये जो बीड़ा आपने उठाया है उसके बारे में बताइए। मैडम, बड़ौदा शहर में कई सारी संस्थाएँ हैं जो ये काम करती हैं। सालों पहले हम देखते थे कि कई सारे पक्षी पतंग चगाने की वजह से डोरी से कट के नीचे गिरे हुए पड़े मिलते थे। उत्तरायण जाने के बाद आप देखो तो एक हफ्ते तक देखो ना, तो कहीं ना कहीं रास्ते पे पड़ा हुआ कोई जानवर, मतलब ये पक्षी मिले कुछ ऐसा। उनके जो चाइनीज डोरी भी अभी शुरू हुई है, लोगों को तो नहीं रोक सकते, पर हम एक अवेयरनेस करने की पहल की है कि बड़ौदा शहर में बहुत सारी संस्था कर रही है, और जस्ट कॉल एक संस्था है जो हरिनगर 5 रास्ते पर सालों से ये काम कर रही है। 9 साल से उनका कैंप लग रहा है डॉक्टर के साथ में, विक्रम भाई करके, बहुत सारा उनके पास बहुत अच्छी टीम है। हमने जाके देखा, उनके साथ मिले। अगली बार भी हमारे विपुल भाई ने यहाँ एक पहल की थी और एक छोटा सा प्रयास किया, उसमें भी सफल हुए। तो इस साल हमने विपुल भाई के माध्यम से विक्रम भाई को मिले, और ये जय भवानी ग्रुप से हम यहाँ से पादरा तक, अकोटा तक, मांजलपुर और जो नदी की विस्तार जितना भी आता है वो सभी विस्तार में एक जाहिरात की है कि भाई हम पक्षी बचाओ अभियान में लोग हमारे साथ जुड़े। और इस संस्था की सेवा का जो कार्य है उसमें हम अकेले तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ जो 100 लोगों की टीम है वो लोग तो जुड़ने वाले हैं, पर उसके अलावा 300 नाम ऐसे हमारे पास अभी रजिस्टर हुए हैं कि लोग अपने हिसाब से ये कार्य में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। 400-500 लोगों की टीम मिलके ये पूरे बड़ौदा शहर में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी हम पक्षी बचाओ अभियान के लिए जाएंगे। और जहाँ जहाँ माना कि भाई कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि जिसको हम छू भी नहीं सकते, कायदे के दायरे में आते हैं, और जहां हम उसको नहीं कुछ कर सकते वहां हम फॉरेस्ट खाता के भी जो परमिशन लेनी है वो भी लिया हुआ है, और बहुत सारी मतलब संस्था जो बोलते हैं जीवी फायर, ये सभी संस्थाओं के साथ में लेके सबसे बातचीत हो गई है। जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी सब लोग वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। और ये पहली बार हमने अभियान उठाया है, और पक्का जानते हैं कि बड़ौदा शहर में बहुत सारा अवेयरनेस आने का एक कार्यक्रम है और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और भगवान की दया से मैं बोलता हूँ कि बहुत कम पक्षी को जानहानि हुए, और डॉक्टरों की टीम भी इसमें है तो छोटा मोटा जो भी तो नुकसान हुआ हो उनको भी हम भरपाई कर सके, और भगवान के खाते में बोलते हैं कि भाई एक नेक काम करके हमारी जिम्मेदारी पूरी करें। अटलादरा के साथ और भी जगह पर आपने केंद्र खोले हैं? हरिनगर 5 रास्ता जो विक्रम भाई हैं हमारे, वो तो बहुत सारा कैंप उधर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में ऑपरेशन थिएटर वो सब कुछ बना हुआ है। अच्छा। वहाँ बहुत सारा बड़ा कैंप है, यहाँ एक छोटी पहल है पहली, डॉक्टर की टीम यहाँ रहेगी, छोटी मोटी सारवार यहाँ होगी, ऑपरेशन वाला जो कोई काम होगा वो हमें हरिनगर पर जाना पड़ेगा। एक वारसिया रिंग रोड पर जो सुपर बेकरी है उसके बाजू में आजवा रोड पर, वहाँ भी एक कैंप शुरू किया है। छोटा मोटे बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो अलग अलग विस्तार से, मांजलपुर से, गोत्री से,
कोटा से हैं, ये लोग भी जुड़े हैं कि 5-7 लोग अलग अलग टेबल लग के बैठेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें बुलाएंगे और हमारी एम्बुलेंस लेके हम उधर जाके वो पक्षी को बचाने में काम करेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉल करना है और सिर्फ एक कॉल पर एम्बुलेंस और टीम के सदस्य आपके घर तक पहुँचेंगे और आपकी उत्तरायण की मज़ा बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप इन्हें बुलाइए, वो पक्षी को लेके जाएंगे और उनकी जान बचाएंगे। इस अभियान में जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम चौहान भी हमारे साथ हैं। विक्रम भाई, अगर किसी को इस सेवा का लाभ लेना हो कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जय भवानी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ क्योंकि ये हम लोग ये विस्तार में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग हरिनगर कर रहे थे, हरिनगर तो लास्ट 9 साल से हो रहा है। मेरे को वडोदरा शहर के सभी नागरिकों को एक मैसेज देना है कि अगर 14 और 15 हम लोग उत्तरायण जो करते हैं उसके बाद आपको कहीं पे भी दोहरा दिखे जो तार पे लटकते हैं या फिर कोई किसी फ्लैट पे है तो वो दोहरा लेके आप जला दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पक्षी घायल उसी वजह से होते हैं। ऐसा नहीं है कि 14-15 आपने पतंग चगाते हैं तभी ये होता है। जो दोरे लटकते हैं उससे भी उन्हें नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान है ना जब दोरे वहाँ पर लटकते ना उसके वजह से होता है। तो मेरे को वडोदरा शहर की सारी जनता को ये बोलना है कि आपके आसपास कहीं पे भी आपको कहीं पे भी दोरा दिखे तो उसको जला देना है। अगर तार पे है तो आप जीबी को कांटेक्ट कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट कर सकते हैं तो वो लोग भी वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो सभी नागरिकों को, वडोदरा शहर के सभी के लोगों को ये कहना है। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कबूतर घायल दिखता है या कुछ भी हुआ है तो आप हमारी संस्था का कॉन्टेक्ट करें। हमारी पूरी टीम बनाया हुआ है, मेडिकल टीम अलग है, रेस्क्यू टीम अलग है, इधर से लेने जाने के लिए भी पूरी सुविधा की गई है। तो आप खाली एक कॉल करें, हमारे आदमी आके पूरी सुविधा देंगे और आपके जो जितने भी कबूतर है जो भी बर्ड्स है वो सबको लेके आएंगे। और कौन से नंबर पर कॉल करना है? मोबाइल नंबर है 9900440-6690, ये मेरा ही नंबर है। और दूसरा एक नंबर है 6392470075, ये दो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 13, 14, 15 और 16 के लिए ही है, उसके बाद भी आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखे कि भाई कोई बर्ड्स इंजर हुए हैं तो हम लोग कभी भी आ सकते हैं। और ये सेवा निशुल्क रहेगी कि कोई चार्ज चुकाने होते हैं? नहीं, निशुल्क है। और उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग किसी का कॉल आया तो एक हमारा एक रजिस्टर है, उसमें रजिस्टर जो भी हमको कॉल करेगा उनका पूरी डिटेल्स मिलेगी और उनको हम सामने एक चकली घर बनाया है वो उनको हम देने वाले हैं। यानी आपको प्रोत्साहन के रूप में चिड़िया घर भी एज अ गिफ्ट मिलने वाला है क्योंकि आप भी इस सामाजिक कार्य में जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कॉल करना है और एक जान आप बचा सकते हैं। जान चाहे पक्षी की है चाहे इंसान की है, मायने तो उतनी ही रखती है और इसीलिए इस सेवा अभियान में वडोदरा शहर के लोग बढ़ चढ़ कर जुड़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उत्तरायण हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सामाजिक कार्यों में भी वडोदरा शहर के लोग उतने ही आगे आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।